नमस्कार दोस्तों, श्री दंधरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के दिन आपकी मुलाकात पूज्य दंधरहुआ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर संत श्री रामदास जी महाराज जी से करवाने जा रहे हैं। पूज्य महाराज जी के द्वारा आज के दिन हम जानेंगे कि किस तरह से अभी पितृ पक्ष का समय चल रहा है और जो भक्त लोग घर पर बैठे हैं कोरोना काल में आ जा नहीं सकते तीर्थों में, वह किस तरह से घर पर बैठ करके अपने पितरों की शांति हेतु घर पर उपाय करें। कोरोना संकट के बीच जो भक्त तीर्थों में नहीं जा सकते वह घर बैठ करके अपने पितरों की शांति के लिए क्या करें। सरकार की और डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, सखी बेच के हनुमान जी महाराज की, ये वास्तव में ही बड़ा सुंदर मास है। ये चातुर्मास का तीसरा महीना है। पहला महीना श्रावण का है, उसमें सर्वभक्ति की प्राप्ति होती है। कई महात्मा नदियों के किनारे जा करके, गंगा के यमुना किनारे जा करके अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मौन रहते हैं। तो ये विशेष रूप से ये चातुर्मास के चार महीना हैं, उसमें दूसरा महीना भाद्रपद का है, इसमें कल्याण के लिए पैर रखते हैं, ये परिक्रमा देने का ही विशेष फल है। तीसरा महीना अश्विनी कुमारों का है, ये इसको आश्विन मास कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्वार मास भी है। तो इस महीने में जो है जो लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं, वो निरोग होते हैं। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए ये वैद्यों का महीना है, तो आद्य वैद्य का महीना है। इसलिए इस महीने में जब परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारे आद्य वैद्य हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य वो प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि निरोग रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, ये आशीर्वाद दिया करते हैं। ये इसमें संयम नियम और आचार विचार और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में ये मौत के ये तीन दलाल, बीड़ी सिगरेट और शराब, ये मौत के दलाल हैं। इसलिए ये खान पान के लिए इसलिए दो चीज़ें तो रुष्ट तत्काल हो जाती हैं। एक तो भगवान ने पैसा दिया है तो ये दिया है जो है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसके लिए जो है पैसा से अपना ये स्वार्थ सिद्धि है, तमाम काम हैं वो करें। ये पैसा आप लोगों के लिए इसलिए नहीं दिया कि इसका दुरुपयोग करें, इसका सदुपयोग करना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग में जो है जैसे गुटखा लिया या सिगरेट पी तो इससे जो है लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं कि दुरुपयोग कर दिया पैसे का। पैसा भगवान के भोग के लिए है, अपने भोग के लिए है, इसके ऐसा नहीं है इसका दुरुपयोग करें। तो इसके लिए जो है ये पैसा है तो इसलिए रुष्ट लक्ष्मी रुष्ट हो गए। और अगर तुमने जेबिया पर रख लिया गुटखा के बीड़ी सिगरेट का धुआँ तो इससे सरसरी रुष्ट हो जाती है। तो इसका जो जरूर ध्यान रखें, ये इसमें आचार विचार और खान पान का विशेष ध्यान रखें इस महीने में, और संयम से रहें। इसमें जो है किम भूषणम भूषणम शीलम तीर्थम परम किम समन्वय विशुद्धम, सबसे बड़ा तीर्थ मन की शुद्धता है, सबसे बड़ा भूषण अपना चरित्र अच्छा बनाओ, अपना जो है संयम अच्छा बनाओ। तो इससे ऐसे रहोगे एक महीने अगर ऐसा रहेगा आप तो आप एक वर्ष के लिए सुखी स्वस्थ हो जाओ, निरोग रहोगे, ये आश्रम का महीना है। दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें अन्नदान का ही विशेष रूप, ब्राह्मण भोजन कराने का महत्व, साधु भोजन कराने का भी बहुत विशेष फल है। सोने का दान दिया तो सोना भी सोना मिला, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो ये कर्ण ने अपने आप ही 15 दिन ये इसी तत्पक्ष के लिए गई। पुरखाओं के लिए कई लोग जाते हैं गया में तो सब कार्य छोड़ आते हैं, अच्छे अच्छे कार्य, और बुरे कोई नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ये महीना वास्तव में ही पुरखाओं को, पितरियों को तर्पण भी देना चाहिए और उनके नाम से हवन और भोजन भी कराना चाहिए। भोजन ही बहुत जरूरी है, उनके नाम से कराना। तुमने कहा हमारे पुरखों का उद्धार हो गया तो कोई तुम कहीं मनी ऑर्डर भेजो और उस पुरखा को माफी लेने वाला नहीं हो तो अपनों को पुण्य मिलता है। इसलिए जो है जी जो है इसमें जैसे काकुर वगैरह पटा वगैरह करते हैं तो ये भी करने का बहुत विधान है। इससे जो है अपन जो ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, माता भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों का महात्माओं का लेटर बक्स होता है,
लेटर बस में कोई वस्तु डाली जाती है तो वो तत्काल पहुंच जाती है। ऐसे ही लेटर बॉक्स है ये ब्राह्मणों का मुख, ब्राह्मणों का पेट, महात्माओं का। आप ब्राह्मण भोजन कराएंगे और संत भोजन कराएंगे इस आश्विन के महीने में तो तुम्हारे पुरखाओं के लिए उसका पूरा पुण्य मिलेगा और पुरखाओं का उधर उद्धार हो गया है तो वो पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए ये वो करना बहुत ज़रूरी है और 15 दिन तक बराबर अपने पितरियों के लिए जल भी देना चाहिए, तर्पण भी करना चाहिए और उनके लिए श्राद्ध दिन। कई लोग तो पूरे 15 दिन जो है आश्रमों पर देते हैं भोजन कराने के लिए और कई जो है अच्छे अच्छे कार्य जो कराते हैं पुरखाओं के प्रसन्न रहते हैं। ये 3 ऋण चढ़े रहते हैं, देव पितृ भूताणि, ये देवताओं का ऋण है, ये भूत प्रेतों का ऋण है, तो देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरियों का ऋण। ये अपने जितने पुरखा अपने यहाँ हो गए अपने कुल में तो सब उनके ऋणी हैं। ये ऋण तभी छूटता है जब उनके लिए तर्पण, हवन और भोजन कराते हैं उन्होंने। इसलिए इस ऋण से ही मुक्त होना है। इसलिए आश्विन का महीना है जी, आप सभी के लिए हम बहुत बहुत विशेष रूप से ये अन्नदान का विशेष फल है, द्रव्यदान का विशेष फल है, तो ये भी करते रहें इसमें ये महीना विशेष रूप से। कार्तिक का महीना में जब ऐसा करते रहोगे आश्विन महीने में तो कार्तिक के महीने तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी चारों तरफ। जो दान का हस्तस्थ भूषणम दानम सत्यम कंठस्थ भूषणम स्रोतस्थ भूषणम शास्त्रम भूषण ही किम प्रयोजन। हाथ का भूषण दान देना, हाथ का हाथ की शोभा दान देने से होती है, तो दान देने से हाथ की शोभा है, सत्य बोलने से कंठ की शोभा है, कंठस्थ भूषण स्रोतस्थ कानों की शोभा, शास्त्रों को सुनने से, श्रवण करने से शास्त्रों की शोभा है। इसलिए जो ऐसा आप करते रहोगे तो कार्तिक में आपकी कीर्ति फैल जाएगी चारों तरफ, दाने की, भजने की और परमार्थ की कीर्ति फिर फैल जाती है। कार्तिक के महीने में कीर्ति फैलती है चारों तरफ। इस हिसाब से आप लोगों को जरूर इस महीने में धनरगवा आने का बहुत फल है। हनुमंत मिलन को चालिए तजमाया हेमान, जो जो पंग रहते थे यज्ञ समान। भगवान हनुमान जी कहते हैं ज्योतिम धाम एक पहु तो मैं धाम कर, एक पहु अगर आप हनुमान की तरफ बढ़ोगे हनुमान 60 पग देखते आपको खींच लेंगे। और जो तुम कर रहे हो काट है तो मैं लोहे की लाट, वो तुम कर रहे काट बन जाओगे तो भगवान लोग लाट बन जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आओगे तो दौड़ करके भगवान तुमको गले से लगा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, आपको पूरी कृपा बरसा देंगे। तो आपके लिए ये विशेष रूप से ये कार्य विशेष है, हनुमान जी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और ये महीने में विशेष रूप से आप दान भी करें, धर्म भी करें और दर्शन भी करें, इसका फल हवन भी करें। और पितरियों के लिए जो है, वैसे तो चीटियों के लिए एक ऐसा, कौए के लिए एक ऐसा, गाय के लिए एक ऐसा, चांडाल के लिए एक ऐसा, चीटियों के लिए जैसे 5 ऐसे वो एक पंचयज्ञ होती है तो ये भी इसमें करना बहुत ज़रूरी है, पंचयज्ञ भी करें। श्री रामचंद्र की सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, हमारा विशेष रहें। श्री रामचंद्र की।